हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। बेसिकली देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में बेसिकली पांच टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सिंगल इनहेरिटेंस। जैसा कि नाम है, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ? वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम वन बेस क्लास। तो इसमें क्या होगा, एक बेस क्लास होगा और उसका एक डिराइव क्लास होगा। जैसे कि लेट से एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे ए, ए क्या है? अपना बेस क्लास है। ये क्या है? बेस क्लास। और इसका एक डिराइव क्लास होगा लेट से बी। ये क्या हो गया? डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास। तो इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। इसको बेस क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और इसको डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से बोला जाता है, और इसको डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास भी बोलते हैं। सब क्लास भी, ये सब अलग अलग नाम है। सबका मतलब यही हुआ, ये क्या है? डिराइव क्लास है और ये क्या है? बेस क्लास है। तो अगर एक एग्जाम्पल लेके देखे, जैसे एक पर्सन है। पर्सन क्या हुआ? बेस क्लास हुआ। और लेट से स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? एक स्टूडेंट क्या है? एक ड्राइव क्लास है। तो इस पर्सन से ये ड्राइव हुआ। तो ड्राइव क्लास में क्या होता है? सारे प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल्स एक्सेस कर सकता है ड्राइव क्लास। सो ड्राइव क्लास कैन इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द बेस क्लास। तो ये तो हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जैसे कि हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस पढ़े, वैसे ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जैसा कि नाम है, इसमें क्या होगा, एक लेट से ए क्या है? अपना बेस क्लास है, और इसका एक डिराइव क्लास होगा बी। ये क्या है? डिराइव क्लास है। और इस बी का और एक डिराइव क्लास होगा सी। ये भी क्या है? एक डिराइव्ड क्लास है। ये किसका डिराइव क्लास है? ये बी का डिराइव क्लास है। तो ए जो है बेस क्लास है किसका? बी का। ए इज द बेस क्लास ऑफ बी एंड बी इज द बेस क्लास ऑफ सी। तो बी क्या करेगा? एक्ट करेगा बेस क्लास फॉर द सी क्लास। तो सी के लिए बी क्या है? बेस क्लास है, और बी के लिए ए क्या है? बेस क्लास है। इसे क्या कहते हैं? मल्टी लेवल। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखे, तो लेट से एक व्हीकल है, एक व्हीकल क्लास है। तो व्हीकल क्या है? उसका एक लेट से ड्राइव क्लास है टोयोटा। टोयोटा एक उसका क्या है? ड्राइव क्लास है। टोयोटा का एक ड्राइव क्लास क्या होगा? लेट से नोवा। तो इस एग्जाम्पल में क्या है? ये बेस क्लास है टोयोटा का। तो व्हीकल क्लास क्या है? बेस क्लास का एड करेगा टोयोटा का। टोयोटा क्या है? ड्राइव क्लास है किसका? व्हीकल का। एंड इनोवा किसका है ड्राइव क्लास? टोयोटा का ड्राइव क्लास। तो ये एग्जांपल हो गया मल्टी लेवल। तो ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? व्हेन ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास। तो एक यहाँ पे इनोवा क्या है? ड्राइव क्लास है, जो कि किससे बनाया गया है? एक ऑलरेडी जो ड्राइव क्लास है टोयोटा, उससे बनाया गया है। इसलिए इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगला इनहेरिटेंस जो है उसे क्या कहते हैं? हेरेडिकल इनहेरिटेंस। तो हेरेडिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मोर देन वन डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। इसमें क्या होगा? एक बेस क्लास होगा और मल्टीपल उसके डिराइव क्लास होंगे। मोर देन वन, या तो दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो लेट्स से ए एक बेस क्लास है, दिस इज बेस क्लास, इसके मल्टीपल डिराइव क्लास हो सकते हैं। लेट से एग्जाम्पल में हम लोग दो लेते हैं, एक हो गया बी और दूसरा हो गया सी। ये दोनों किससे डिराइव हो रहा है? ए से हो रहा है। तो एक बेस क्लास हुआ और इसके दो डिराइव क्लास हुए। जैसे कि एग्जाम्पल में लेट से एक पर्सन है, सो पर्सन कैन बी इंटर्न और ही कैन बी फुल टाइम एम्प्लॉय।
ये दोनों क्या है, क्लास पर्सन से इनहेरिट हुए, इसका क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है इसका और एक थर्ड क्लास हो डी, वो भी क्या होगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा। तो बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा, देयर विल बी मोर देन वन डिराइव्ड क्लास फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। तो बेस क्लास क्या होगा, एक होगा, उसके मल्टीपल डिराइव क्लास होंगे, ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब चौथा देखते हैं, नेक्स्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का बारे में ध्यान रखना, ये सिर्फ सी प्लस प्लस में होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में होता है, जावा और बाकी अदर एनी अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, मल्टीपल इनहेरिटेंस किस में होता है, सी प्लस प्लस में होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक बेस, एक क्या है, एक बेस क्लास है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए एक बेस क्लास है और बी भी एक बेस क्लास है, ये दोनों अपने आप बेस क्लास है, और सी जो है ये क्या है, ये ए एंड बी दोनों का इनहेरिटेड और डिराइव्ड क्लास है। तो सी क्या एक्ट करा यहां पे, डिराइव्ड क्लास, एंड ए इज बेस क्लास, बी इज ऑल्सो अ बेस क्लास। यहां पे दो बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है, इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसे पहले के एग्जांपल्स में हम लोग जो देखे थे क्या था, इसमें एक ही बेस क्लास था, जैसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या था, एक बेस क्लास था और उसके मल्टीपल डिराइव क्लास थे। मल्टी लेवल में क्या था, एक बेस क्लास था, उसका डिराइव क्लास था, जो डिराइव क्लास था वो दूसरे के लिए क्या था, बेस क्लास था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, देयर विल बी मल्टीपल बेस क्लास। याद रखने के लिए ऐसा देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस देयर विल बी मल्टीपल बेस क्लास एंड वन डिराइव क्लास। जैसे कि अगर इसका और एक एग्जांपल ले, जैसे मॉम, लेट्स से मॉम एंड डैड, एंड इन दोनों का क्या हुआ, डिराइव क्लास क्या है, ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, हाइब्रिड। जैसा कि नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इंप्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। एक से ज्यादा अगर इनहेरिटेंस हो जाए तो उसे हाइब्रिड कहते हैं। इसमें हो सकता है मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो जाए, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो जाए, हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी हो जाए, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका ज्यादा वैसे यूज नहीं है, फिर भी ध्यान रखने के लिए, जैसे मान लो ए है, इसका एक बेस क्लास है बी, एक है सी, फिर इसका एक हो गया डी, और इससे हो गया ये सी। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये एक बेस क्लास है, इसके दो डिराइव क्लास है, ये भी डिराइव क्लास है, ये भी, ये किसका एग्जांपल हो गया, एक बेस क्लास दो डिराइव क्लास, ये किसका एग्जांपल है, ये हायरार्किकल का। अगर हम लोग ऊपर देखे, हायरार्किकल में क्या होता था, सिंगल बेस क्लास होता था एंड मोर देन वन डिराइव क्लास। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें एक तो हायरार्किकल हो गया, और ये क्या है, ये डी जो बन रहा है, बी और सी दोनों से बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या देखे थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो बेस क्लास होंगे, एक चाइल्ड क्लास होंगे। तो ये डी के लिए क्या है, दो पेरेंट है, बी एंड सी बोथ आर पेरेंट क्लास एंड डी इज चाइल्ड क्लास। इसमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी आ गया प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस भी आ गया, इसे हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस कंबाइंड टुगेदर। तो ये तो हो गए पांच टाइप के इनहेरिटेंस। फिर से एक और क्विकली देख लेते हैं, आपको ये थोड़ी थ्योरी पता होना चाहिए। सबसे पहले देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। पहला क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होंगे, वन बेस क्लास होंगे, वन डिराइव क्लास होंगे। फिर आता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होगा, देयर विल बी मोर देन वन डिराइव क्लास। इसमें क्या होगा, मल्टी लेवल में डिराइव क्लास विल बी क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास। तो एक डिराइव क्लास से दूसरा डिराइव क्लास होगा, इसे क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। फिर आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मोर देन वन डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। बेस क्लास एक होगा, देयर विल बी मल्टीपल डिराइव क्लास। फिर आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस सिर्फ सी प्लस प्लस में होता है। इसमें क्या होता है, क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास।
तो एक से ज्यादा क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। इसमें क्या है, ए अपने आप में एक क्लास है एंड बी अपने आप में एक क्लास है एंड सी क्या है, डिराइव क्लास है। तो क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे दो लिए हैं, हो सकता है यहाँ पे एक डी भी हो, उससे भी ये इनहेरिट कर सकता है, मोर देन वन क्लास। सो व्हेन अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास इट्स कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिर्फ सी प्लस प्लस में होता है ये। हाइब्रिड में क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं, क्यों हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो है कोड रियूजेबिलिटी, कोड को हम लोग रियूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे, अगर डिराइव क्लास के अंदर सारे प्रॉपर्टीज क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा बेस क्लास का, तो इससे क्या होगा, हमें बार बार चीजें यूज नहीं करना पड़ेगा। तो कोड रियूजेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जो कि होता है सॉलिड प्रिंसिपल। तो ये एक सिस्टम डिजाइन का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिड प्रिंसिपल, तो उसमें काफी हेल्प करता है ये इनहेरिटेंस, तो वो पढ़ेंगे बाद में। तो ये क्या करता है, कोड रियूजेबिलिटी। दूसरा एडवांटेज क्या है, इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड वी डोंट नीड टू रीराइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। तो हमें एक ही कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो कोड को अच्छे से हम लोग क्लीन एंड रीडेबल बना सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखना। तीसरा एडवांटेज क्या है, इनहेरिटेंस सपोर्ट्स एक्सटेंसिबिलिटी एज ए न्यू क्लास कैन बी इजिली एडेड टू द एग्जिस्टिंग क्लास। ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग क्लास एक है ए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया क्लास बी बना सकते हैं और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा। तो हमें बार बार वो प्रॉपर्टीज मेथड फंक्शन वापस से बी क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाए, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब बी क्लास में अपने आप आ जाए, तो हमें बार बार चीजें लिखने नहीं पड़ेगी। तीन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस थे इनहेरिटेंस के, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया थ्योरी, अब हम लोग देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन।